आज हम फोटोशॉप CS5 में सीनरी क्रिएशन का अनदर एग्जांपल सीखेंगे। हमें यहाँ पे पेज लेना रहेगा। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, पेज को नेम देके स्टोर कीजिए। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज मिला है। हम ग्रिडन टूल से बैकग्राउंड इफेक्ट देंगे। ग्रिडन टूल सिलेक्ट करिए, कलर सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इफेक्ट दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इफेक्ट दी है। अभी हम एरो टूल लेके कस्टम शेप टूल में जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए हैं, एरो दिया है, वहां से हम ऑल शेप करके ओके देंगे। आप स्क्रॉल करके सारे शेप्स देख सकते हो। आप अप डाउन स्क्रॉल करोगे, आप देख सकते हो आपको सारे शेप्स दिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया। अभी ट्राइंगल को कलर देना है तो आपको यहाँ पे कलर बॉक्स दिया है, वहां से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर सिलेक्ट करना है। अभी आप ट्राइंगल ड्रॉ करिए। उसके बाद अगर हमें ट्राइंगल को नोड करना है तो सिलेक्ट पाथ टूल ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें जहां से नोड करना है वो एरिया सिलेक्ट करके हम नोड करेंगे। आप देख सकते हो जैसे हमने यहां से उसको नोड किया। अब हम अगेन कस्टम शेप टूल में जाके अगेन ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करिए। सेम प्रोसेस अगेन हम करेंगे नोड करने के लिए। सिलेक्ट पाथ टूल सिलेक्ट करेंगे, टूल बॉक्स पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट पाथ टूल सिलेक्ट कीजिए और यहां से जहां से नोड करना है वो एरिया सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हो यहां से नोड हो रहा है। अगर आपको लगता है कहीं से रॉन्ग हो रहा है तो ऑल्ट कंट्रोल ऐड करके आप चेंज कर सकते हो। यहां से वो नोड हो गया। अभी हम फिल्टर में जाएंगे, लिक्विफाई पे क्लिक करेंगे और ओके देंगे। आप देख सकते हो यहां पे लिक्विफायर में हमें जो लाइट इफेक्ट्स देनी है, माउंटेन को आपको जैसी इफेक्ट देनी है आप इफेक्ट दे सकते हो। ओके दीजिए। आप देख सकते हो वो इफेक्ट आ गई है। अगेन हम सेकेंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, और अगेन फिल्टर में जाके लिक्विफायर ओके और सेम इफेक्ट वापस देंगे हम। ओके दीजिए, वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम क्रिएट लेयर करेंगे। ब्लैंक लेयर क्रिएट किया है हमने। अभी हम इलिप्टिकल सिलेक्शन लेंगे और फिगर 2 सेट करेंगे और हम इसमें ग्रेडियन कलर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो ग्रेडियन कलर हो गया है। अभी हमें फर्स्ट लेयर के बैकग्राउंड में लाना है तो फर्स्ट लेयर के नीचे हम इलिप्टिकल सिलेक्शन ले लेंगे। अभी हम अगेन कस्टम शेप में जाएंगे। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए, उसमें से हम बर्ड्स का शेप लेंगे। जैसे हमने यहां से बर्ड्स सिलेक्ट किया और आप ड्रॉ करिए। आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने एक सीनरी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे आपको सारे अलग अलग लेयर दिखाई दे रहे हैं। अगर लेयर को मर्ज करना है तो आप लेयर में जाके मर्ज लेयर्स पे क्लिक कीजिए, लेयर मर्ज हो जाएंगे। थैंक यू।